पंडरिया नगर पंचायत में गांधी चौक से बाजार मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा जमकर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। वहीं आज पिछले 10 माह से नगर के सभी विकास कार्य इंजीनियर के न होने के कारण भारी परेशानियों का सामना नगर के आम लोगों को करना पड़ रहा है। नगर के गांधी चौक मुख्य मार्ग से होते हुए बाजार रोड सीसी रोड निर्माण कार्य आज 10 माह से बंद पड़ा हुआ है। पिछले कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं बहुत अच्छे काम, इसमें जाने के बाद ही उनको नियमित रूप से यहाँ पर पदस्थ या नियमित रूप से वॉच करते थे, काम को देखते थे। 9 माह से बंद है, किन कारणों से बंद किया गया? वर्तमान में उसमें नाली का और पुलिया का काम हो चुका है जी, बचा है उसमें सीसी रोड और बीटी रोड का, क्योंकि निगाह में नियमित रूप से इंजीनियर पदस्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 इंजीनियर यहाँ पर पदस्थ है। मैं यहाँ पे इन ठेकेदार को बोला भी कि यहाँ पे जो है मेन रास्ता है, इसको जल्दी करवा देना करके, लेकिन आज पर्यंत 9 महीना हो गया, ठेकेदार के द्वारा काम नहीं किया गया। ठेकेदार से मैं संपर्क किया हूँ तो वो बोला कि मेरा बिल मिल नहीं रहा है, मैं 1 महीने में बनाने के लिए तैयार है कि ये डामरीकरण होगा, दोनों साइड नाली बनेगा करके, लेकिन आज पर्यंत तक ये सामने बगल में दुर्गा भवन है, उसके पहले रोड बन रहा था। मैं यहाँ पे इन ठेकेदार को बोला भी कि यहाँ पे जो है मेन रास्ता है, इसको जल्दी करवा देना करके, लेकिन आज पर्यंत 9 महीना हो गया ठेकेदार के द्वारा। घटना दुर्घटना को देखते हुए शासन प्रशासन का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि अविलंब इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित ठेकेदार से काम को पूर्ण कराया जाए, और अब तक जो काम ठेकेदार के द्वारा किया गया है ये भी गुणवत्ता ही। पंडरिया के आम जन को इससे बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पंडरिया का सघन आबादी गांधी चौक से लेकर के कुशालबंद समरूपारा के बीच में है, और सड़क का हालत बहुत ही जर्जर है, सामने बरसात है, आए दिन एक्सीडेंट। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।